भूपाली और देशकार। भूपाली को तो कुछ लोग भूप भी कहते हैं, भूपाली भी कहते हैं, और कुछ लोग भूप कल्याण भी कह लेते हैं, क्योंकि पूर्ण रूप से कल्याण से संबंधित है। यद्यप भूप कल्याण कुछ लोग शुद्ध कल्याण को भी कहते हैं, क्योंकि इसमें शुद्ध कल्याण में कल्याण और भूपाली मिला हुआ है। भूपाली राग का मुख्य रागांग वाचक स्वर समूह वह ये है, सारे सारे ग राग। और इसका संप्रकृत राग जो देशकार है, क्योंकि दोनों ही रागों में पांच स्वर है, सारे का पधसा साधा प गरेसा, अंतर जो है भूपाली का उठान होता है सारे सारे गा, और देशकार का उठान होता है पागा पाधा समूह है देशकार का। भूपाली में गंधार धैवतवादी संभाजी, इसके विपरीत देशकार में धैवत गंधारवादी संभाजी। भूपाली पूर्वांग प्रधान तो देशकार उत्तरांग प्रधान राग। भूपाली में सड़द ऋषभ गंधार पंचम न्यास के स्वर है, परंतु देशकार में पंचम धैवत धार सड़द न्यास का स्वर है। भूपाली का गायन समय सायंकाल है, तो देशकार का गायन समय प्रातः काल है। अब रही बात भूपाली कल्याण थाट में और देशकार बिलावल थाट में, क्यों समान स्वर दोनों में है तो दोनों का थाट कैसे भिन्न हो गया? उसका कारण ये है कि भूपाली कल्याण अंग का राग है और देशकार बिलावल अंग का राग है, और वह अंग दोनों में प्रत्यक्ष रूप से दिखता है। जिसको स्वर का बोध है, राग का बोध है, जिसने राग को आत्मसात किया है, उसको दोनों ही रागों में ये भिन्न भिन्न अंग दिखेंगे। सर्वप्रथम भूपाली को देखिए कि यमन से कैसे भूपाली बन जाता है, सा नी ध नी रे गा रे सा नी ध नी रे गा। इसमें से केवल निषाद हटा दीजिए तो हो जाएगा ध सा रे गा, ये हो जाएगा जो भूपाली की पकड़ ही है। नी ध नी रे गा नी हटा दीजिए तो बन जाएगा ध सा रे गा, और पा मा गा रे गा पा गा रे गा गा रे मा गा पा मा धा पा मा गा, मा हटा दीजिए तो हो जाएगा गा रे पा गा धा पा गा पा मा गा रे नी ध नी रे गा मा पा अपा गा रे सा ध सा रे गा पा। देखते हैं केवल निषाद मध्यम हटा दीजिए तो इसको एक तरह से कह सकते हैं मणि वर्जित कल्याण, भूपाली को मणि वर्जित कल्याण कह सकते हैं बड़े आराम से। न्यास के स्वर वही हैं, संगतियां केवल परे कल्याण में गरे गा परे गरे गा मा परे सा, ये कल्याण में अधिक होता है, परंतु भूपाली में भी परे होता है मगर उसका उच्चारण भिन्न है। जैसे गरे गा पा गा परे गा परे गा, कल्याण में होता पा मा गा रे गा मा परे सा,
इसमें होता पा ग रे ग प रे ग रे सा र सा रे ग। तो ये विद्वानों को अग्नि स्वर का बोध है, राग का बोध है, उन्हें भूपाली में कल्याण अंग प्रत्यक्ष दिखेगा। इसी तरह देशकार में पहले बिलावल को देखिए, बिलावल से कैसे छट जाएगा देशकार। अगर ग प म ग म रे ग प र ग प द पानी द नि सा, इसको हटा दीजिए, प द सा सा नि सा नि द बा, निशा हटा दीजिए तो हो जाएगा सा द बा सा नि द नि द बा द ग प, निशा हटा दीजिए सा द बा द ग प ग्राही है। ये मान्य हो गया है जो देशकार में पूर्वांग में सड़क पर आकर के सारे धसा, भूपाली में सारे सा धसा, ये गुणियों में मान्य हो गया। परंतु गाते समय ये दोनों सुर दोनों में हो जाते हैं। परंतु जो मुख्य भिन्नता है दोनों रागों में कि पागा धा पा गा भूपाली, अपाधा गा पाधा पा देशकार, कितना निकट संबंध है। मरस्वर की संगतियों के कारण, भिन्नता के कारण दोनों राग भिन्न दिखते हैं। पाधा गा पाधा दा पा देशकार, अपा गा धा पा गा, उसमें धैवत दिखता है, दीर्घ न्यासयुक्त धैवत गंधार की संगति। अब भूपाली में पागा धा पा गा गंधार का बहुत है, गंधार धैवत की संगति है। भूपाली में आरोहात्मक पंचम पर न्यास होता है, तो देशकार में अवरोहात्मक पंचम पर न्यास होता है। जैसे पाधा गा पागा भूपाली में सा सारे ग प ग रे ग प द प ग रे ग रे ग प सा प ग रे सारे ग ग प। भूपाली में आरोहात्मक पंचम पर न्यास है और देशकार में अवरोहात्मक पंचम पर न्यास है। इसीलिए शास्त्रों में कहा गया है जो पूर्वांग राग का जो होता है वो आरोह में स्वरूप स्पष्ट होता है, उत्तरांग राग का अवरोह में स्वरूप स्पष्ट होने की दुनिया में मान्यता है। एक नियम है, प्रातः कालीन राग में ऋषभ दुर्बल होता, भैरो राम कली, तो राम कली या भैरो में सा रे रे ग ऐसा भी हो जाता, नी सा ग म प ग म रे सा, आरोह में ऋषभ दुर्बल होता। सायंकालीन राग में नीरे ग जहाँ होता वो नीरे ग होगा, आरोह में ऋषभ लगेगा। सा ग प र र ब जागी गोपाल ला प्रगट भये अंशुमाल, देखते हैं ऋषभ लगेगा आरोह में तो लगता ही, आरोह में भी अल्प प्रमाण में लगता है, मगर लंघन है, अधिकतर लंघन है देशकार में परंतु बिलावल से देशकार में और ऋषभ कम है। तो स्वरूप जब बनाया जाता है तो इस सबका ध्यान रखता है, रखा जाता है किस स्वर को कम करें किस स्वर को ज्यादा करें ताकि राग की भिन्नता स्पष्ट हो जाए।